नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, परंतु क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया में रहने वाला, जहां लाखों नहीं करोड़ों हिंदुस्तान के लोग रहते हैं स्लम में, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं और दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है। एक माँ जिसने अपने पति से तलाक लिया और अपने बेटे के साथ मुंबई के झुग्गी झोंपड़ी यानी स्लम एरिया में रहते थे। घर के हालात इतने खराब थे कि कई बार वड़ा पाव खाकर ही सोना पड़ता था। वड़ा पाव बहुत अच्छी चीज है, मैं भी खाता हूं, लेकिन सिर्फ वड़ा पाव खाकर दिन नहीं गुजारा जा सकता है। माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आज वो लोग पछताते हैं। इन सब परेशानी को देखते हुए इन्होंने अपनी स्कूल का खर्चा निकालने के लिए टीवी रिपेयरिंग की दुकान पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इनको तकनीकी चीजों का थोड़ा शौक था। जैसे जैसे करके अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था, पर वो कहते हैं ना कि ईश्वर अगर आपके साथ है तो आपको वो सारी चीजें मिल जाती है। मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा। एक संस्था ने इनकी मदद की और इसके सहयोग से इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। झुग्गी झोंपड़ी के कितने लोग पढ़ाई करते होंगे। पढ़ाई के दौरान अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इनके आर्टिकल छपे, शोध पत्र छपे। यह बात पहुंची वर्जीनिया अमेरिका तक और अट्रैक्ट किया। वहां पर इनको रिसर्च के लिए बुलाया गया और फिर इन्होंने नासा के लिए भी काम किया। झुग्गी झोंपड़े से निकला हुआ इंसान अमेरिका भी पहुंचता है, लाखों रुपए कमाता भी है, और ये लड़का अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ वहां पर जॉब भी करता है और महीने के लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। इसका नाम है जय कुमार वैद्य। अगर आपको भी लगता है कि आप एक साधारण जिंदगी जी रहे, दो जून की रोटी नहीं है, तो आप भी अपने सपनों को देखिए और जीते जी उन्हें साकार करिए। यह थी आज की कहानी। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।